तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मोटोरोला का इन्वर्टर एसी है और उस एसी में E6 एरर आ रहा है, तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मोटोरोला एसी में E6 आ रहा है तो यह एरर है इंडोर यूनिट फैन मोटर का। आपके एसी में यह एरर तीन कारणों से आ सकते हैं। इंडोर यूनिट में जो फैन मोटर लगी हुई है, हो सकता है कि फैन मोटर के वायर को चूहे ने काट दिया होगा। अगर फैन मोटर के वायर को चूहे ने काटा है तो आप वायर को फिर से जोड़ ले तो यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर फैन मोटर के वायर को चूहे ने नहीं काटा है और फिर भी ये एरर आ रहा है, तो आप पीसीबी में फैन मोटर वाले कनेक्टर को देखे लूज कनेक्शन की वजह से भी ये एरर आता है, या आप कनेक्टर को निकालकर फिर से लगाएं तो भी ये एरर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप पीसीबी से फैन मोटर के कनेक्टर में आउटपुट सप्लाई को चेक करें। अगर पीसीबी आउटपुट सप्लाई दे रहा है तो आपके इसी की फैन मोटर पूरी तरह से खराब हो गई है, और फैन मोटर को बदलने से आपका यह एरर पूरी तरह से हट जाएगा। और पीसीबी मोटर को आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है तो आपको इंडोर यूनिट की पीसीबी को बदलना होगा, उसके बाद यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।